Assalamu alaikum students, I am your teacher from Bluebell School System. I hope you all will be fine at your homes. Students, it's math lecture and today we will do the next three questions of exercise number 2.1. In this exercise, we will find HCF by division method. Students, question number 4. 36, 72 और एंड 160. अब इसमें हम सबसे पहले 36 और 72 को डिवाइड करेंगे. 36 को एज ए डिवाइजर यूज़ करेंगे और 72 क्या होगा? डिविडेंड. अब सिंपली आप इसको डिवाइड करोगे. 36 का टेबल जब हम 2 तक रीड करते हैं, 36 टूज आर 72. 72 में से 72 को माइनस किया तो 0 आया. अब हमारा रिमेनिंग डिजिट क्या है? 160. अब 160 को भी डिवाइड करेंगे. 160 को किसके साथ डिवाइड करेंगे? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बेटा बताया था, जो हमारा रीसेंट डिवाइजर होता है हम उसको यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर रीसेंट डिवाइजर हमारा कौन सा है? 36. तो इसको हम यहाँ पर एज ए डिवाइजर यूज़ करेंगे. 36 का टेबल 4 तक रीड करें, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या डिजिट आता है? 144. 160 में से 144 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 16. अब 16 को हम डिवाइज़र के तौर पे यूज़ करेंगे और डिविडेंड क्या होगा? जो रीसेंट डिवाइज़र होता है. अब डिवाइज़र यहाँ 36 है, उसको हम डिवाइडेंड अंदर लिख लेंगे डिवाइडेंड के तौर पे. अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे. 16 टूज आर 32. अब 36 में से 32 को माइनस किया, आंसर आया 4. अब 4 यहाँ पर डिवाइज़र होगा और डिविडेंड क्या होगा? जो हमारा पहले डिवाइज़र था, पहले कौन सा डिवाइज़र था? 16. अब 4 का टेबल 4 तक रीड करेंगे या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16. अब 16 में से 16 को माइनस किया तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? 0. सो हमारा HCF क्या है? 4. 4 इज द HCF ऑफ 36, 72 एंड 160. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डन इन जूम क्लास. मस्ट ज्वाइन योर जूम क्लास. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.